आज का मेरी गेम के अंदर जो काम है वो है बेल्स को मैं इकट्ठे करने वाला हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास बेल्स हैं, वो वहाँ तक और यहाँ तक भी। तो गाइस शुरू करता हूँ अपना मिशन बेल्स को इकट्ठे करने वाला। उससे पहले जो मैंने कल सामान खरीदा है ना, उनको दोबारा से रिटर्न करने का टाइम आ गया है, तो रिटर्न करते हैं ये। जैसे अभी ये है तो पहले तो इसमें से निकलते हैं, और जो इसने निकाला हुआ अपने अंदर से तो पहले से उसको निकालते हैं ना। एक मिनट, मैं इसको ज़रा निकालूं। निकला भाई, चलो लीज पे लिया था तो उधार लिया हुआ है, तो देख के देखते हैं इनको मशीन। तो अगर तो उधार पे ये वापस गिर गया तो ठीक है, नहीं तो ले गया तो ले जाए। अब क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये तंग कर रहा है, पता नहीं निकल क्यों नहीं रहा बाहर। और मैं इसको ना बेच देता हूँ। अब मैं इसको रिटर्न करने लगा हूँ, तो अब देखते हैं क्या बनता है। मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, ओके छोड़ गया है, ठीक है, चलो अच्छी बात है यार, ये तो चलो सही हो गया। मैं देखो इसको उठा सकता हूँ, लेकिन तब नहीं हो रहा था बस। ऑलराइट, अब मुझे वो चीज़ खरीदनी है जिससे मुझे इनको इकट्ठे करना है। तो दो चीज़ें होती है इकट्ठे करने के लिहाज से, एक तो ट्रॉली होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी क्रेन से लेके जाते हैं सामान। क्रेन के आगे जो इसको उठाने वाला होगा वो लगा होता है, और हम बड़े आराम से इसको उठा लेते हैं। लेकिन मैं अभी इस टाइम सोच रहा हूँ नॉर्मल तरीके से काम करूँ, वो थोड़ा मुश्किल होता है और उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे ख़रीदनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं बस नॉर्मल चीज़ें ही खरीदूँ, तो जिसके अंदर एक ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगेगी और वो खुद ब खुद ही उसको उठा लेगी। जैसे ये देखो, अब ये है तो इसके ऊपर मैं रखना था ये सारा सामान, तो अभी इसका तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। यह रही बेल, लोडर है जो। यहाँ दो टाइप के हैं, एक तो ये गोल वाले हैं जो सर्कल के अंदर जो बेल्स होंगी, तो हमें तो चाहिए स्क्वायर वाला, तो ये रहा, इसको मैं ख़रीद रहा हूँ। ओके मैंने अब ये भी उधार ले लिया है, और पता नहीं कहाँ, ओ भाई साहब बहुत दूर गया है। चलो भाई अपने आते हैं स्टेयरिंग व्हील पे। इसके गियर शेयर कोई नहीं है, ये टोटली ऑटो है, इसका ऑप्शन ही नहीं है। ओ भाई कनेक्ट हो गया, अब बारी है हमारे उनको कलेक्ट करने की। तो इसको करते हैं पहले एक्स दबा के रन, एक्स से नहीं है तो फिर बी से होगा, ठीक है अकेला बी से ही है, बस रन किया और बस काम करो। तो शुरू करते हैं अपने बेल्स को इकट्ठे करना। ये बहुत ही इजी काम है, इसमें तो ये है ना कि आप बड़े आराम से इसको बस डालते जाओ और उठाते जाओ। मैं इसको कैसे उठाऊं, ओके और राइट अगले वाले पे चलते हैं। इस तरह घूम के आता हूँ तो इस तरह तो उठा ही लूँगा। उठा पाऊँगा ना, ओके हो गया। अब मुझे पहले ही अपना ना लाइन को सीधे रखना है कि जिस जिधर मैं जा रहा हूँ उसके बिल्कुल सीधा मुझे आना चाहिए। ये वाला तो उठा लूँगा, अगले वाले के साथ मैं क्या करूँगा। कमॉन, ओके, और इस वाले को भी मुझे उठाना है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, पहले बेल्स बनाता हूँ फिर एक एक करके उनको उठाता हूँ। तो ये वाला काम तो वैसे मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऑटो, क्योंकि मुझे खुद को करने का बड़ा मज़ा आता है। तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, मैं स्पीड तेज़ कर दूँगा, आप लोगों को ऐसे फील होगा जैसे कि ना ऑटो ही काम हो रहा है, लेकिन मुझे खुद करना पसंद है ये वाला सिर्फ काम। और मुझे ज़्यादा पसंद है क्रेन से उठाने का, तो वो क्रेन वाला जो सीन है ना वो अभी मैंने ना नहीं किया। ओके इसको उठाएंगे बाद में। ओके मैं इसको यहाँ से रख के करूँ, ओके बचत हो गई है।
ओके उल्टा सीधा ही हो गया ये तो। अब यहाँ से चलते हैं। तो अब मैं सारे इसी तरह उठाने वाला हूँ, तो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि ज़मीन के ऊपर क्या उगाना है, या फिर क्या कोई और बाय करनी है, क्या करनी पड़ेगी कि नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो मुझे लगता है ये 3-4 दफ़ा इसको फुल करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है जहाँ तक। वैसे एक ज़मीन से तो उठा लिया हमने, अगर 2 भी बन गया ना तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इसका रेट देखते हैं कि किस टाइम पे इससे ज़्यादा रेट होने वाला, तो वो अभी देखता हूँ मैं। बल्कि पहले मैं देख ही लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको मैं ज़रा फुल स्पीड कर दूंगा। मैं रेट को देखना चाहता हूँ। अभी तो हमारे पास ये और ये है ना, जो ये को जो लेकर आया था बात है, लेकिन बेल्स की सेल कहाँ पे है? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रॉ है लेकिन बेल्स नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बेल स्ट्रॉ की कैटेगरी में ही गिने जाते हैं? तो मतलब मुझे चाहे मैं बेल्स बना दिया लेकिन इसको स्ट्रॉ तरीके से ही बेच के आना है मुझे पड़ेगा, और जो मैंने किए हुए इकट्ठे उनको सेल करने के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर तो इससे अच्छा तो था मैं बेल्स ही ना बनाता, अगर जस्ट सेल ही करना था। लेकिन बेल्स का सही ये होगा कि मैं इसको आसानी से उठा के लेके जा सकता हूँ, तो यही होगा कि 2 दफ़ा मुझे जाना पड़ेगा जहाँ मुझे सेल करनी। लेकिन अभी तो सेल करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मुझे दिसंबर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, और मैं अभी इनको कलेक्ट करता हूँ और बड़ा फास्ट कलेक्ट करने वाला हूँ, जस्ट जादू होने वाले वालों के लिए। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ओके ये तो फुल हो चुकी है, मैं ये सोच रहा हूँ इसको उतारना कहाँ पे है। ये तो हो गया फुल, तो मुझे लगता है इसको उसके साथ ही उतारता हूँ। अभी उसके लिए घर नहीं बनाया था, इतना पैसा नहीं है, तो बस अल्लाह के आसरे छोड़ने वाला हूँ मैं तो, कहीं भी छोड़ दूँगा, ऊपर वाला जाने और बेस जाने। वैसे यहाँ कोई चोरी तो नहीं करेगा गेम के अंदर अच्छा लग रहा है ये कह के कि कोई चोरी ना कर ले, पता भी है गेम के अंदर किसने चोरी करना है, जहाँ मर्जी रख दूँ। ओके ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मैं इसको अब ना उतार दूँ। अनलोड करने के लिए शायद आई है, वाई है, ठीक है वाई था। कुछ कुछ बटन अच्छे तरह से नहीं याद है, लेकिन शक टाइप बटन याद है मुझे। ओके तो वाई दोबारा दबा दिया मैंने, और बस आके चला जाऊँ मैं, ठीक है। ओके एक इकट्ठे हो चुके हैं, अब दोबारा से वाई दबाऊँ इसको और ये अनलोड हो जाए। अनलोड तो हो चुका है, मतलब फोल्ड हो जाए वापस से। मुझे अब इसके बिल्कुल साथ बड़े प्यार से लेके जाना, पहले मैं इसको ना अनफोल्ड कर लूँ। गिर ना जाए, हम तो इसके पास से भी गुजर रहे हैं तो इसको फील हो रहा है पूरा। वाई ट्राई दिया यार कैमरे ने मुझे ट्राई दिया। ओके यही टाइम है, अब मैं इसको उतार दूँ। ओके प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से हो गया, हवा से ना गिर जाए, मुझे याद भी नहीं है, नेरी नूरी तो नहीं आ जाती पता चले इधर से हवा चले उधर से, ये सारे रोड पे पड़े हों। बस ये कुछ रह गए हैं, बाकी 4 रह गए हैं बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं बड़ा। ओके अभी जहाँ पे कोई मसला ना बन जाए इसके पास में गुजरूँ। हिल रहा है मेरे पास गुजरने से।
फासला ज़्यादा हो गया इसके उन सब के दरमियान में, और वाय दबा के इसको उतार दें। हो गया बस, ठीक है। अब इसको ज़रा वापस पे, और अब ये तो हो गया कलेक्ट। अब मुझे सोचना है कि इस ज़मीन पे कुछ लगाना है कि नहीं, या फिर नई ज़मीन की तरफ जाना है, और इनके ऊपर मैंने क्या करना है। तो ये मुझे कुछ सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मैं दोबारा एंट्री ली है इस फार्मिंग के अंदर, तो मुझे सारा कुछ ही भूल गया। लेकिन अब सारा कुछ याद रखने के बाद फिर नहीं भूलने वाला मैं, क्योंकि इस गेम को अब फुल इंजॉय करने वाला, और गरीब से अमीर होना है मुझे मेरे इस वक्त। मैंने ये वाली अभी ज़मीन नहीं ख़रीदी थी, तो मैंने वो वाली ज़मीन भी ख़रीद ली है। तो अब मैं इसको, इसके अंदर मैंने ये वाली और ये वाली ज़मीन सारा कुछ मैंने कर लिया हुआ है, बस यही रह गया ये जो कनोला है, तो मैं उसको काटने जा रहा अपनी हार्वेस्टर से। और मैंने टाइम को ना, जो तेज़ी से मैं टाइम गुजारता हूँ, वो मैंने टाइम पहले ही गुजार लिया हुआ है, और मैं इसका गियर क्यों लगा रहा हूँ, गियर तो लगता ही नहीं है। तो मुझे दोबारा से हार्वेस्टर लीज़ पे लेनी पड़ गई है, क्योंकि पहले मैं सोचा था कि ज़मीन नहीं ख़रीदूंगा, लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया ख़रीद लेता हूँ। और एक और मेरे पास ज़मीन है जो कि कॉटन है, तो वो जिसे रुई कहते हैं हम लोग, तो ये रुई ना जो, ये अभी 2 महीने पड़े हैं, मतलब ये महीना लगा के अगले महीने में शायद, या उससे अगले महीने में, तो उसमें काटनी पड़ेगी, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। और ये साथ वाली कॉर्न उग गई है, लेकिन ये ज़मीन बहुत महंगी है, नहीं तो मैं इसको भी ख़रीद लेता, लेकिन महंगी बहुत है। अब बस पैसा जोड़ना है, और उसके बाद सारे ज़मीनों को ना अपना करना है, ये जितनी भी सारी ज़मीनें हैं इन सबको अपना करना है जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से अमीर होने के बाद हर एक जगह पे पहुँचना है। तो पहले गरीबी हमारी यहाँ से अमीरी स्टार्ट होगी, गरीबी से अमीरी। तो अब इसको पहले काट लेते हैं। ओके, अब इसको मैं, ओके, नीचे ही गिरा दिया मैंने नीचे। एक्स से ओपन, ओपन कहीं भी नहीं होती। ओके, ये बंद ही है, इसका कुछ भी नहीं है ऊपर, इसका अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा, और वैसे है भी बहुत छोटी, उन्होंने बनाई ही नहीं है इसकी। तो ऑन करते हैं, मुझे लगा था ये ऊपर वाला जो इसका पेटू है ना, ऊपर से जो खुलता है वो, क्योंकि पेटू ना खुला हो तो फिर हम इसको रन नहीं कर सकते, तो पहले कहता है कि पेटू खोलो। ये इसके स्ट्रॉ ही नहीं बनते ना भाई, इसका ऑयल ही बनता है, या बेचाऊँ या ऑयल बना लूँ। ज़मीन काटने की देर थी कि इसके अंदर से ये देखो छोटी छोटी घास भी उगना शुरू हो गई है, ये पौधों को ख़राब करती है, मतलब वीड कहते हैं इसको शायद, मैं दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मुझे भूल गया होगा इसको क्या कहते थे। ये कुछ झाड़ियाँ सुनी हैं अपने घर वालों से, तो ये ज़मीन को ख़राब करती हैं, और फसल वगैरह को भी ख़राब करती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे जो फसल काटी है उसके बाद ये अब उगना स्टार्ट होगी, तो अब इससे पहले इसको स्प्रे भी करनी पड़ेगी। अब जो दूसरी ज़मीनें हैं वो हवा ली है ना, उनको मैं अब साफ़ करने वाला हूँ, जो मैंने पहले वो जिसकी बेल्स इकट्ठी की हैं, तो उनको साफ़ करना है, और उसकी जगह पे ना कोई और उगानी है। और ये जो 3 ज़मीनें हैं ना, जब भी ये काट रहा हूँ, और 2 मैंने काट चुका हूँ, इन 3 ज़मीनों को ना मुझे अब इनमें से तीनों के तीनों को ना मैं एक ही टाइप की फसल के ऊपर ना कन्वर्ट करने वाला हूँ। एक ही टाइप मतलब, एक है गंदम, ठीक है, वीट है, और उसके अलावा बार्ली है, और उसके अलावा एक और है ओट है। तो इन तीनों को ना, ये इन तीनों के अंदर से स्ट्रॉ निकलते हैं, तो वो इन तीनों ज़मीनों के ऊपर ही ना मैं उगाने वाला हूँ। उसके बाद एक के ऊपर घास उगाऊंगा, और एक के ऊपर ना कनोल छल्ली उगाऊंगा, कॉर्न जैसे ये उगी हुई है। तो बाद में जब अपनी उगा लूँगा, अगर अच्छा पैसा बना, अगर इसके बराबर बन गया, तो मैं ये वाली ज़मीन ख़रीद लूँगा, फिर इसके ऊपर घास उगाऊंगा, और एक के ऊपर कॉर्न, और उसके अलावा और कुछ और। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस चलने वाला है, अगर चीट ना लगाऊं तो, अगर चीट ना लगाऊं तो। पहले फटाफट इस मिशन कंप्लीट करते हैं ये वाला। अभी मैं काफ़ी गरीब हूँ, तो इसलिए
मैं अभी ना ट्राली वगैरह को यूज़ नहीं करने वाला, किसी भी ट्रेलर वगैरह को, तो जैसा चलता है वैसे इसी तरह चलाने वाला हूँ। मैं मशीन को ले आया करूँगा, लेकिन अभी वो नहीं लेना चाहता, पैसा इतना लग जाएगा फिर हर चीज़ के लिए, लीज़ लीज़। तो आ जो सकता हूँ 1 मिनट के लिए तो बस यहाँ आ गया हूँ, उसके बाद वहाँ चला जाऊँगा। और बस थोड़ी सी रह गई है फसल, काफ़ी देर लग रही वैसे निकालने में भी इसको, जितनी बड़ी मशीन है उतनी जल्दी निकालती है जो भी कटिंग किया हो उसने। ओके हो गया। हो गया एक तरह से कह लो ये वाला हमारा मिशन कंप्लीट, हमने कनोला को पूरा कर लिया। वैसे देखें सही इसकी प्राइस क्या चल रही है, ये रहा कनोला, अभी हमने 5,123 दाने होते हैं क्या, मुझे अभी सही तरह पता नहीं है, लेकिन स्टोरेज के अंदर इतना हो गया इकट्ठा। तो अभी इसका रेट कब जाने वाला ऊपर, नवंबर के अंदर, मतलब यही है कि हर महीने के अंदर जब गुजारने के बाद मुझे देखना चाहिए किसका रेट ऊपर नीचे जा रहा है। तो अभी के लिए तो मेरे पास यही सामान है, 1, 2 और 3 और 4 ये हो गए, और उसके अलावा फिर उसके अलावा स्ट्रॉ है तो उसका भी मुझे देखना चाहिए वो किस टाइम जाना है। उसके अलावा अभी घास वगैरह तो काटी नहीं है, तो बस स्ट्रॉ ही है और तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो तकरीबन चीज़ें बनती हैं हमारे पास 5, अभी हमारे पास यही 5 ही चीज़ें हैं जिसको हमने बेच के कमाई करनी है, और देखते हैं हमें बचता क्या है। फिर उसके बाद सीडिंग करनी है, अभी वो कल वाले मिशन के अंदर करूँगा या अभी करूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, तो देखता हूँ वीडियो के हिसाब से कितनी लंबी बनी है, उसके हिसाब से मुझे अब सीडिंग करनी है। तो सीडिंग के शायद मुझे लगता है वीडियो अलग ही बनेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।